हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज महाभारत पार्ट टू। जी हाँ, जितने भी पार्ट वन में फॉर्मूलाज रह गए थे, आज हम उनको पार्ट टू में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट, हमने दो फॉर्मूलाज प्रीवियस वीडियो में याद किए थे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और एक फॉर्मूला हमने याद किया था कॉस ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से हमने याद किया था कि कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। सबसे पहले कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टोटल 12 फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, ठीक है, जिन्हें हमने तीन कैटेगरी में बांट दिया था। ठीक है, आगे हम फोर्थ कैटेगरी करते हैं। तो देखिए, फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर हम क्या करें, अगर हम बी की जगह पर ए लेट कर लें, अगर हम बी की जगह पर ए आप पुट कर देते हो, तो आपके पास मिलेगा कुछ इस तरह से साइन ए प्लस ए, यानी बी की जगह पे आपका ए आ गया। तो जहाँ भी आपको बी दिखाई दे रहा है वहाँ पे ए पुट कर दो, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए और कॉस ए ही आ जाएगा। बी की जगह पे हमने ए रखना है प्लस कॉस ए, और यहाँ पे साइन की जगह पे भी आ जाएगा आपका ए। ठीक है, यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए और साइन ए कॉस ए, ये आपका सेम हो गया। तो यानी कि टू टाइम साइन ए कॉस ए ये बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर साइन टू ए का फॉर्मूला हमारे पास आ गया। साइन टू ए का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉज ए। तो देखिए इसी फॉर्मूला से हमने बनाया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन टू ए के ना स्टूडेंट दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो साइन कोस की लैंग्वेज में ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक टेन का फॉर्मूला भी होता है, टेन के फॉर्म में भी होता है। यानी साइन टू ए का, साइन टू ए का टेन का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, आपको सपोज करो ये मालूम है, ठीक है ना, और आपको टेन का फॉर्मूला नहीं याद, तो आप क्या करेंगे, इसके अपॉन में लगाएंगे वन। ठीक है, इसके अपॉन में वन लगा के, और आपको पता है कि हम वन के जगह पे ये चीज़ ओपन कर सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये इक्वल्स टू कितना होता है, वन होता है। ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, पहले से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लिखेंगे डिवाइड, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। आप नोमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दो। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो कॉस स्क्वायर ए से आप इसे डिवाइड देंगे तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, बचेगा साइन अपॉन कॉस, यहाँ दो साइन है, दो कॉस है ना यहाँ पे, तो साइन अपॉन कॉस क्या होगा आपका, टेन हो जाएगा, टेन ए, और टू एज इट इज रहेगा इधर ही। इसी तरह से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा वन, और इसी तरह से साइन में डिवाइड लगाओगे तो ये आपका बन जाएगा टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से साइन टू ए का फॉर्मूला एक और आ गया टेन की फॉर्म में। ठीक है, एक आपको ये याद कर सकते हो। ठीक है ना, डेराइव करना आ गया, बस याद करने की ज़रूरत ही नहीं है अब। ठीक है, साइन टू ए आपको पता होना चाहिए, और साइन टू ए भी अगर किसी स्टूडेंट को याद नहीं है तो कम से कम ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं कॉस टू ए के लिए। कॉस टू ए का फॉर्मूला भी हम यहीं से बनाना सीखेंगे। अब आपको पता है स्टूडेंट कॉस टू ए सेम वही कंडीशन करेंगे, क्या करना है आपको, बी की जगह पे आपको ए पुट कर देना है। ठीक है, बी की जगह पे ए, तो ये बनेगा कॉस ए प्लस ए इज इक्वल टू, रख दीजिए कॉस ए कॉस ए। ठीक है, सेम ही आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन ए साइन ए। ठीक है, ये आपका बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस, और ये आपका बन रहा है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये कॉस टू ए का। देखिए कॉस टू ए का ये हमारा पहला फॉर्मूला है। वैसे आपको बता दूँ स्टूडेंट, कॉस टू ए के, कॉस टू ए के टोटल चार फॉर्मूले होते हैं। कितने फॉर्मूलाज होते हैं, चार। ठीक है, चारों को बनाना सीखेंगे हम, बनाना इसी फॉर्मूला से है। तो ध्यान रखना आपको सबसे पहले इस फॉर्मूले से ना ये ड्राइव करना है। ठीक है ना, अब देखो फटाफट से हम चारों फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। पहला तो यही हो गया आपका, यानी कॉस टू ए के चार फॉर्मूले होते हैं, पहला तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा अगर हमें बनाना है तो हम क्या करेंगे, कॉस टू ए इसका एक फॉर्मूला ना कॉस की फॉर्म में भी होता है। अगर आपको कॉस की फॉर्म में फॉर्मूला चाहिए ना,
तो आप कोस को एज इट इज रहने दीजिए और साइन को ना इस तरह से ओपन कर लेंगे, वन माइनस कोस केयर ए। ठीक है, टेंथ क्लास का फॉर्मूला होता है। तो कोस केयर ए अंदर के साइन चेंज कर दीजिए, माइनस वन प्लस कोस केयर ए, कोस केयर ए, कोस केयर ए, ये हो गया आपका टू कोस केयर ए। ठीक है, माइनस वन। लो देखिए कोस टू ए का, कोस टू ए का एक फॉर्मूला और आपके पास आ गया, टू कोस केयर ए माइनस वन। यानी कि बस ये याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये भी याद नहीं है तो ये याद करना है बस आपको। ठीक है, उसके बाद इसी का साइन का फॉर्मूला देखेंगे, इसी फॉर्मूले पे आ जाइए दोबारा से, ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, कोस टू ए का आप फिर से देखेंगे, कोस टू ए इज इक्वल टू, अब एक फॉर्मूला इसकी साइन की फॉर्म में भी होता है, तो कोस केयर ए को एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, सॉरी, अब हमने साइन को ऐसे रहने देना है। ठीक है, क्या करेंगे, अब हम साइन को एज इट इज रहने देंगे और कोस को खोलेंगे, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए माइनस, और साइन ये अपनी जगह पर ही है। ठीक है ना, साइन वाला फॉर्मूला बनाना है तो साइन साइन रखना होगा ना, इसलिए साइन का फॉर्मूला यहाँ लगाया, उसे एज इट इज रख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, वन माइनस साइन स्क्वेयर ए और माइनस के साइन स्क्वेयर ए, ब्रैकेट ओपन करोगे, ये और आपका टू टाइम वन माइनस टू, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का ही आएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वेयर ए कोस टू ए। ये देखिए थर्ड फॉर्मूला, कोस टू ए का आपका थर्ड फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अभी मैंने बताया कितने फॉर्मूला होते हैं, चार फॉर्मूला होते हैं। कहीं ना कहीं आपने फॉर्मूलाज देखे जरूर होंगे, और जो बच्चा अभी प्लस वन में आया है वो भी देखेगा। ठीक है ना, तो ये वीडियो जो है ना सभी के लिए बन रही है, यानी कि डिप्लोमा वाले भी कर सकते हैं उसको, बीटेक वाले भी याद कर सकते हैं, बीकॉम वाले भी, बीबीए वाले भी, जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आ रही है या डिफरेंशिएशन में यूज़ हो रहा है तो आपको ये फॉर्मूले तंग करते हैं, तो आपको याद कर लेने हैं आप। ठीक है, अब देखिए जरा फोर्थ फॉर्मूला बनाते हैं हम इसका। ठीक है ना, अब देखिए ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये है अगर कोस टू ए का फॉर्मूला आपको कोस की फॉर्म में चाहिए तो ये लगाओगे, कोस टू ए का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में चाहिए तो ये लगाओगे, साइन और कोस दोनों की फॉर्म में चाहिए तो ये लगाओगे। अब कभी कभार क्या होता है कि कोस टू ए का फॉर्मूला हमें टेन की फॉर्म में भी चाहिए होता है, तो आप क्या करेंगे, फिर से वहीं से बनाएंगे, कोस टू ए का फॉर्मूला जो हमने याद किया हुआ सबसे पहला ये है हमारा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है। आप क्या करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे साइन टू ए का बनाया था आपने फॉर्मूला, उसी तरह करेंगे कि क्या करेंगे, साइन टू ए के अपॉन में भी हमने क्या लगाया था, वन लगाया था ना, ये टू साइन है कोस ए के अपॉन में वन लगाया था, उसी तरह से इसके अपॉन में भी हम मान के चलेंगे कि क्या है, वन है। ठीक है, यहाँ पे वन की जगह पे वही चीज़ ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का नियम है, कभी भी ऐसी फॉर्म दिखाई दे, हमेशा यही स्टेप करते हैं, डिवाइड डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए। ठीक है, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी कोस स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं, तो मैं करके दिखा नहीं रहा, डायरेक्ट लिखेंगे आपको समझ आ जाएगा। देखो जब इसी इसको डिवाइड करोगे तो आएगा वन, इसको डिवाइड करोगे कोस से तो आएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन में इसको आप डिवाइड करोगे वन आएगा, और साइन को इसे डिवाइड करेंगे ये आपका टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। यानी कोस टू ए का फॉर्मूला अगर आपको टेन की फॉर्म में चाहिए तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है स्टूडेंट तो लाइक कर दीजिए। देखो हमने क्या किया, सिर्फ दो फॉर्मूला से ही सारे ड्राइव हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे भी समझते हैं इन फॉर्मूलाज को। प्रीवियस वीडियो की तरह अगर हम इस फॉर्मूलाज को भी देखें तो हमारे टोटल कितने फॉर्मूलाज हो गए, देखो जरा, एक दो तीन चार पाँच छः फॉर्मूलाज हैं, ऐसे आपको ज़्यादा लगेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन्हें भी कैटेगराइज मतलब कर देते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे, हम प्रीवियस वीडियो में ना स्टूडेंट तीन फॉर्मूले ही हमने पढ़े थे, जिनमें 12 फॉर्मूले डिस्कस किए थे, वैसे हमने उनको तीन ही मान लिया था। तो आप क्या करेंगे, तीन वो हो गए, ये हम कह देते हैं हमारा हो गया फोर्थ फॉर्मूला, क्योंकि साइन टू ए ही है ना, तो साइन टू ए के दो आते हैं, ये इसी का पार्ट हो गया, तो इसको हम फोर्थ फॉर्मूला कह देते हैं, और इसे हम कह देते हैं भाई फिफ्थ फॉर्मूला, जिसमें कोस टू ए ही डिस्कस हो रहा है, तो आपको फिफ्थ कह दीजिए। ठीक है ना, ऐसे याद करेंगे, अगर इसको नंबर करोगे ना आप 4, 5, 6, 7, आपको मुश्किल लगेंगे, फिर ज़्यादा फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है, ऐसे डर खत्म हो जाएगा। तो ये फिफ्थ फॉर्मूला, अब हम करते हैं सिक्स्थ फॉर्मूला। देखिए सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टेन टू ए का। अब देखिए साइन टू ए भी आपने डराइव करना सीख लिया, कोस टू ए भी डराइव कर लिया, ठीक है, ऑल फार्मूलाज कर लिए, अब टेन टू ए की भी हमें कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो टेन टू ए देखा जाए तो अगर आपको साइन और कोस याद है तो आप उन्हीं से डराइव कर सकते हो। टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है हमारा साइन टू ए अपॉन में
कोज 2a, ठीक है ना, यानी साइन अपॉन कोज होता है ना टेन हमारा, तो साइन का टेन वाला फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे, तो वो था 2 टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और कोज 2a का फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, वो था 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो रहा है, 2a का फॉर्मूला आपके पास आ गया 2 टेन ए अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फॉर्मूला लो आपके पास टेन 2a का भी आ गया, जिसे हमने कहा फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। चलिए अब सेवन्थ फॉर्मूला देखिए, करते हैं फॉर्मूला नंबर 7, साइन 3a, ठीक है, साइन 2a, कोस 2a, टेन 2a हो गया। अब इसी तरह से साइन 3a के फॉर्मूला भी आता है, तो आपने क्या करना है, साइन 3a का फॉर्मूला कभी पूछा जाए तो आपको नहीं याद, आप ड्राइव करना आ गया आपको, तो कैसे करेंगे देखिए, साइन 2a को इस तरह से लिख लेंगे, साइन 3a को इस तरह से लिख लेंगे 2a प्लस a, ठीक है, 2a प्लस a, 3a ही हो जाएगा। और हमें एक फॉर्मूला साइन a प्लस b का पहले से याद है, इसको इस तरह से अगर हम ओपन कर दें, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी लेंथी है, वो आपको चॉइस है, अगर आपको ड्राइव करना आ रहा है तो आप इसको समझ सकते हैं इसे, नहीं तो याद भी कर सकते हैं वैसे इसका तो रिजल्ट, ठीक है ना। तो वैसे चलो मैं ड्राइव करना सिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साइन 2a का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे, हमें पता ही चल गया पीछे, हमने ड्राइव करना सीख लिया, साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a कॉस a, ठीक है, इस कॉस को एज इट इज रहने दो, प्लस अब क्या करेंगे यहाँ पे, कॉस 2a, कॉस 2a का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, साइन की फॉर्म में चाहिए, देखना हमें साइन की फॉर्म में चाहिए, तो कोस 2a का ऐसा फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और साथ में साइन a एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू 2 साइन a, या आपका हो गया कोस 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 स्क्वायर a, ठीक है, प्लस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा आपका साइन a माइनस का 2 साइन क्यूब a, ठीक है। अब क्या करेंगे, कोस स्क्वायर ए को भी साइन की फॉर्म में चेंज करिए, क्योंकि हमें साइन का फॉर्मूला चाहिए ना, तो साइन की फॉर्म में होता है, तो 2 साइन ए कोस होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए, यहाँ से 2 साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2 साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए, ठीक है, प्लस साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए, ठीक है, ये देखिए 2 साइन ए 1 साइन ए, ये हो गया आपका 3 साइन ए माइनस के 2 साइन क्यूब ए, 2 साइन क्यूब ए माइनस के 4 साइन क्यूब ए, ठीक है, ये आपका आ गया साइन 3a का फॉर्मूला। लो देखिए आपको डराइव करना आ गया, अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हैं तो आपको ये करना आना चाहिए, यानी फॉर्मूला वही फिर से याद हो रहा है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, आपको याद रखना है, ठीक है ना, पहले से ही। अब क्या करेंगे, अब आपको अगर मान लो कोस 3a चाहिए, इसको सातवें फॉर्मूले की कैटेगरी में ही डालेंगे, ठीक है ना, ए वाले जितने भी हैं, अगर मान लो आपको कोस 3a चाहिए ना, तो आपको अगर साइन याद हो जाता है, ये साइन डराइव करना आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, बस कोस में इतना चेंज है कि ये आगे आ जाता है इसमें, और साइन की जगह पर कोस आएगा और ये पीछे चला जाएगा इसके अंदर 3 cos a, बस क्या करना है, जहाँ जहाँ ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन लिखा है ना, आपने cos लिखना है, आगे पीछे लिख देंगे, cos 3 का भी याद हो गया, मेरे हिसाब से तो ऐसे आपको बेटर रहेगा, आप ऐसे याद रखें इसको साइन से रिलेट करके, ठीक है। अब देखते हैं tan का, ठीक है, tan 3a कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसको भी मैं इसी कैटेगरी में डाल रहा हूँ सेवन्थ फॉर्मूला की, tan 3a, ठीक है, ज़्यादा डिराइव नहीं कराऊंगा इसको मैं, फटाफट से देख लो, वही तरीका है जैसे साइन 3a को हमने तोड़ा था 2a प्लस a, इसे भी ऐसे करेंगे 2a प्लस a, ठीक है। अब क्या करेंगे, tan 2a प्लस a का फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है, tan a प्लस b का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया नहीं है, चलो मैं फॉर्मूला करा देता हूँ, फिर आपको याद करवाता हूँ उसका फॉर्मूला भी, ठीक है। तो tan a प्लस b का फॉर्मूला अभी याद कर लीजिए, ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू tan b,
ठीक है ना, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस फॉर्मूले को भी याद करने की ट्रिक है क्या? हाँ भी बताऊंगा, ठीक है, मैं कराना भूल गया, अभी कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, टेन थ्री ए अगर आपको निकालना है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना होगा ये, ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, टेन टू ए फॉर्मूला हम डेराइव कर चुके हैं, ये देखो टेन टू ए का फॉर्मूला ये रहा, यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर ए प्लस टेन ए, इसी तरह से अपॉन में भी करेंगे वन माइनस टू टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वेयर ए और साथ में डॉट में क्या आएगा टेन ए। अब क्या करना है आपको, जब आप इसमें एलसीएम वगैरह लोगे, एलसीएम वेलसीएम लोगे तो आपका ना ये आ जाएगा आपके पास थ्री टेन ए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी ना, इसलिए आप अपने आप करके देख लेना, इसको सब सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा थ्री टेन ए टेन क्यूब है। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है तो इस करके मैं फटाफट से करा देता हूँ। देखो इसमें भी एलसीएम लोगे तो आपका आएगा थ्री टेन स्क्वेयर ए, ठीक है। तो टेन थ्री ए का फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आता है। अब क्वेश्चन उठता है क्या ये फॉर्मूला हमें पता चलेगा कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला भी फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है और कोज ए प्लस बी का फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए टेन ए प्लस बी, अगर आपको टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है तो आप क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी को डिवाइड कर देंगे कोज ए प्लस बी से, और साइन अपॉन कोज क्या होता है, टेन ही तो होता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो हमें इसका फॉर्मूला मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं, इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे, वैल्यू है आपके पास साइन ए कोज बी प्लस कोज ए साइन बी, ठीक है। इसी को डिवाइड करेंगे इसके फॉर्मूले से, कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब आपको इसमें पता क्या करना होगा, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, देखो बेटे टेन का फॉर्मूला है तो टेन के फॉर्म में ही होगा तो टेन आना चाहिए, तो टेन यहाँ पे तब आएगा ना जब अगर हम इसे कॉज से डिवाइड देंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक कोस कटना भी चाहिए और यहाँ टेन बनना चाहिए, तो हम करेंगे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोज ए कोज बी, इससे डिवाइड लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। देखिए अगर कोज ए कोज बी को आप इसके अपॉन में रखेंगे तो आपका कोज बी कट जाएगा, साइन ए अपॉन पे कोज ए, ये आपका आ रहा है टेन ए प्लस, इसी तरह से इसके अपॉन में रखेंगे तो आपका कोज ए से कोज ही कट जाएगा, बचेगा साइन अपॉन में कोज, ये आपका बन रहा है टेन बी, ठीक है। इसी तरह से इस कोज ए कोज बी को आप इसके अपॉन पे रखेंगे तो देखिए ये तो सेम है तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस, इसी तरह से इसको इसके अपॉन पे रखेंगे तो ये बन रहा है साइन अपॉन में कोज टेन ए और साइन अपॉन में कोज टेन बी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। एक फॉर्मूला नेगेटिव में भी होता है, वो आपको मैं ऐसे ही याद करवा देता हूँ, ठीक है। अगर बाई चांस अगर आपके पास टेन ए माइनस बी पूछा जाए, अगर आपको ये पूछा जाए तो आप बस ऐसे याद कर लीजिए इसे, तो कि अगर प्लस है तो प्लस आएगा और अगर माइनस में पूछा जाए तो पहले आएगा ऊपर माइनस और नीचे आपने लगाना है प्लस, आप इसे ऐसे याद कर लीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे ड्राइव भी कर सकते हैं बट ये ठीक रहेगा, इसे ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसी तरह से अगर हमें कॉट का बनाना हो, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी अगर हमें फॉर्मूला चाहिए तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला कैसे बनेगा ये, कॉज ए प्लस बी अपॉन में साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, इसी तरह से करना होगा ना, कोज ए प्लस बी और अपॉन में साइन ए प्लस बी, कोज अपॉन साइन होता है कॉट, ठीक है। कोज का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटे, कोज ए कोज बी माइनस के साइन ए साइन बी, इसी तरह से नीचे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए कोज बी, ठीक है, प्लस कोज ए साइन बी, इसमें आपको डिवाइड करना होगा, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी, ठीक है। अगर कोट चाहिए होता है ना तो इसे डिवाइड करते हैं, और टेन चाहिए होता है तो कोज ए कोज बी से डिवाइड करते हैं। जैसे ही आप डिवाइड लगाओगे तो आपका यहाँ पे बनेगा कोज ए अपॉन में साइन ए कोट ए, कोज बी अपॉन में साइन बी कोट बी,
और यहाँ पे आपका साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी कट के वन आ जाएगा। इसी तरह से नीचे आप डिवाइड लगाओगे, साइन ए से साइन ई कट जाएगा, कोस बी अपॉन में साइन बी आपका हो गया कॉट बी, और इधर आपका बनेगा कॉट ए। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉट ए प्लस बी का। इसी तरह से अगर हमें चाहिए ए माइनस बी में, तो बस आप क्या करेंगे, इसमें उल्टा कर देंगे, कॉट ए कॉट बी, ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, और साथ में कॉट बी माइनस कॉट ए। इस तरह से आप फॉर्मूला ये बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।